जिंदगी में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां आपको सब कुछ मिले। अभी सुबह के 9 बज रहे और ये शूट मैं कोई 6 बजे से कर रहा हूँ। बहुत खुआरी हो गई है, बारिश हो गई उसके लिए डिले हो गया, उसके बाद फिर दिल्ली ने तंग कर दिया और फिर जनरेटर ने लाइट गई थी, जनरेटर बहुत शो गया तो मैंने पूरी लोकेशन चेंज कर दी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान अली और ये स्टोरी है अदनान से अदनान अली तक। तो स्टार्ट, वैसे तो बताना मेरी स्टोरी को बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझसे तो हो नहीं रहा था, बहुत टेक ले लेके मैंने फिर एक वो स्टोरी बोर्ड बनाया और मैं जो ज़्यादा फोकस वाले पार्ट है वही आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि अदनान भाई आप बताएं कैसे आपने स्टार्ट किया। तो भाई बात ये है कि 2013 की मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क की ओर जा रहा था और दोस्तों ने कहा कि तेरे अब्बू के पास कैमरा है तो तू अपने अब्बू से कैमरा ले ले ताकि हम वहाँ अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींच लें। वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में अपने अब्बू से कुछ मांगा नहीं है, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुछ तो मांग रहा था वो भी कैमरा और अब्बा ने मना कर दिया। बुरा तो बहुत लगा मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि एक कैमरा ही तो था, क्यों मना कर दिया। फिर बाद में जाके जब मैं टूर पे गया, मैं घूम फिर के वापस आया तो मैंने अपना माइंड बना लिया था अब मैं अपना खुद का DSLR कैमरा लूँगा और उससे मैं कहीं भी घूमने जाऊँ तो उससे फोटोग्राफी करूँगा, बस ये मूड था मेरा। फिर 2013 में आया भाई का 550 कैमरा, सब यूज़ करते थे, मैं भी यूज़ करता था, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। फिर ताहा की बहन की शादी आ रही थी और ताहा फोटोग्राफी करना था तो मैंने उसको बोला यार भाई तू टेंशन ले रहा, तेरा भाई है ना, तेरा भाई कर देगा। मैंने उसको हाँ बोल दिया और वो मेरी ज़िंदगी का पहला इवेंट था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे पोज बनाना है, कौन सी लाइट कैसे होगी, क्या कुछ होगा। मैंने अपने दोस्त की फेस देखा, वो टेंशन में था, मैंने उसकी हेल्प करने के बोला मतलब मैं तेरा काम कर दूंगा। और वो इवेंट से पहले ना मेरे पास कैमरा था ना कुछ था, मैं गया भाई के पास, भाई से कैमरा मांगा नहीं क्योंकि मुझे डर था कि अब्बू की तरह भाई भी मना कर देंगे तो मेरी दोस्तों में क्या इज्जत रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई को मैं बोलता हूँ मुझे कैमरा भेज दो, भाई ने को मैंने बोला भाई मुझे आप कैमरा भेज दें, भाई ने मुझे कैमरा भेजा नहीं था। भाई को मैंने लगा भाई मतलब कैमरा भेज दो, भाई ने ला कि तू चला ले बस, ना नहीं चला के वापस देगी, मैंने नहीं मुझे ख़रीदना है और मैं इसको मैं तहाँ से पैसे ले रहा हूँ, ये फना लेना करके ड्रामा करके मैंने ख़रीद लिया और मैंने भाई को अपने उस कैमरे के पैसे भर दिए। तहाँ की बहन का इवेंट हो गया और उसके साथ मुझे इवेंट मिले तो उससे जो पैसे आए मैंने कैमरे के पैसे भरे भाई को, ऐसे करते 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 इवेंट आया। और 2013 में एक सीन हुआ, उस सीन बताना बहुत ज़रूरी है, उस सीन से ही मेरी ज़िंदगी का मतलब करियर बनाया हुआ। फिर ज़िंदगी में एक मोड़ आया जहाँ रोया भी बहुत, दर्द भी बहुत हुआ। और 2013 में एंड में एक दोस्त की इंगेजमेंट का इवेंट आया और उसमें ना पैसे मिल रहे थे ना कुछ, आपका भाई भलाई करने पहुँच गया और उस भलाई मुझे भारी पड़ गई। उस इवेंट में रात के 4 बज गए थे घर पे, जब गया मम्मी सामने खड़ी हुई थी, मम्मी ने प्यारे आते के साथ चंपा मारा और चंपे को तो लोग चमार चित्तर बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं बट वो मेरे लिए चंपा है okay. मैं उसको भी चंपा ही बोलता हूँ। खैर उसके बाद मैंने घर छोड़ा और मैं जाके पार्क में बैठ गया था, फिर कहा मेरे भाई 5:30 बजे मिले थे, तो 5:30-7 बजे थे कुछ और उस मुझे लेने भी आए थे। फिर मैं घर पे गया, उस वक्त सो गया, सुबह उठ के फिर अपनी मम्मी से मैंने बात की, मैंने बोला भाई अब यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे इसमें ही कुछ बनना है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आप उस पर ट्रस्ट रखो, वो देना है और आज का देना है। वैसे किसी ने क्या खूब कहा है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे पीछे मेरी माँ का हाथ। तो मुझे याद नहीं हो रहा मैं लिख के रखा हुआ, बार बार याद होता मैं भड़कता इंसान हूँ। बताने को तो बहुत कुछ है और मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल ही बहुत किया, जो भी किया अपने दम पर किया। ज़िंदगी में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां आपको सब कुछ मिले, मुझे यहाँ नए दोस्त मिले, नए लोग मिले, लोगों का प्यार मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू,
आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की मोहब्बत सपोर्ट है, तो आपका भाई 0 से 50,000 लाइक पर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू। मेरी ज़िंदगी के छोटे से लम्हे की एक स्टोरी बनाई है मैंने, और यह आपके सामने पेशे खिदमत करना चाहता हूँ मैं। 2013 से लेके 2019 तक जो मेरी ज़िंदगी के स्पेशल मोमेंट हैं, जो जो मुझे मेरे पास सेफ हैं, वो मैं आपके सामने एक थोड़ी सी क्लिप के साथ पेश कर रहा हूँ। एडिटर लगाओ यार, बोर हो रहे हो लोग, चलो बराबर आप बस जाके चेक करें। जाते जाते एक बात कहूँगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी को एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी आनंद है। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा।